हेलो बच्चों, वेलकम टू सीयूईटी पेपर्स। आज के सेशन में हम लोग एनसीईटी 2024 के लिए जो हिंदी लैंग्वेज का पेपर है उसमें कौन से आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं उस पर बात करने वाले हैं। टोटल 28 टॉपिक्स आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहना वीडियो में और नोट कर लेना उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, क्योंकि आप सभी को पता है सिलेबस बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। कुछ 5-6 पॉइंट दिए हुए हैं, बट बच्चों उन 5-6 पॉइंट में जो है बहुत सारे ऐसे छुपे हुए पॉइंट हैं जो आपको समझना जरूरी है। ओके, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो कंफ्यूजन रहता है कि मैम इस बार 2 पेपर कोड हैं, तो इस पर पहले बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी 12th में सिर्फ हिंदी पढ़ी थी एज ए लैंग्वेज, और दूसरे बच्चे हैं जिन्होंने 12th में हिंदी प्लस कोई लैंग्वेज 2, कोई और अदर लैंग्वेज पढ़ी थी। ठीक है, तो जिन्होंने सिर्फ हिंदी पढ़ी थी उनके लिए ये रिकमेंडेड था, क्योंकि आपने कुछ और नहीं पढ़ा है तो भाई 2 बार हिंदी को सिलेक्ट कर लो। तो आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में हिंदी लेना आपके लिए सही है। ठीक है, और जिन्होंने 12th में हिंदी के साथ एक और लैंग्वेज पढ़ी थी वो इन दोनों पेपर कोड में से 102 115 दोनों में से कोई सा भी एक पेपर ले सकते थे। ठीक है, या तो 102 ले लो, या फिर जस्ट सेकेंड 102 ले लो, या फिर क्या ले लो 115, दोनों में से कोई भी एक चॉइस आप ले सकते थे। ठीक है, और लैंग्वेज 2 जो आपकी थी, राइट। तो ये इन दोनों को पेपर कोड में आपको क्या पढ़ना है उस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, साथ ही उन टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक्स को आज कवर करेंगे। देखो पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं, कैसा लग रहा है बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। और इसके बाद एक चीज और, थोड़ा सा आप सभी लोगों को मैं ये भी आइडिया दे देती हूँ कि क्वेश्चंस कितने आते हैं और कितने मार्क्स का आपका ये लैंग्वेज पेपर होने वाला है। तो देखो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों से ही है ना, अगर दोनों हिंदी है या दूसरा इंग्लिश है इट डजेंट मैटर, लैंग्वेज 1 से आपको आएंगे टोटल 23 क्वेश्चंस, 23 में से आपको करने हैं 20 क्वेश्चन, क्लियर है। लैंग्वेज 2 भी आपकी जो भी हो सकता है फिर से हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो या कोई और लैंग्वेज हो, 23 में से आपको आएंगे अगेन 20 क्वेश्चंस। तो लैंग्वेज में से हर एक लैंग्वेज में 23 में से 20 क्वेश्चन आपको करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम में, याद रखना, और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, तो 4 × 8 = 80 मार्क्स का एक लैंग्वेज पेपर होगा। यहाँ पर भी 80 मार्क्स का, मतलब टोटल आपका लैंग्वेज सेक्शन कितना हो जाएगा 160 मार्क्स का होगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत मेजर पार्ट जो है ये कवर कर रहा है, राइट। अब चलो आगे बढ़ते हैं और टॉपिक्स की बात करते हैं कि मैम हम पढ़े क्या इसमें। ठीक है, तो नोट कर लो इस चीज को। और हाँ, एक चीज और, ये टॉपिक्स देखने के बाद अगर लगता है कि आप खुद से पढ़ सकते हो बहुत अच्छी बात है, सेल्फ स्टडी से अच्छा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बट अगर कहीं कोई दिक्कत आती है लैंग्वेज में या टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो जैसा मैंने पहले भी कहा है टीचिंग एप्टीट्यूड का 30 आवर्स का लाइव कोर्स चल रहा है, साथ ही एक कॉम्बो कोर्स चल रहा है जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट और लैंग्वेज में पूरा कंप्लीट करवा रही हूँ। तो जो अभी टॉपिक्स 28 टॉपिक्स जो आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको और तैयारी की जरूरत है तो इन कोर्सेज से भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ये देखिए बच्चों, ये सारे टॉपिक्स हैं, इनको नोट कर लो आप सभी लोग। भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण, बेसिक्स। देखो इस बार क्या है, हमारे पास 2 हिंदी के कोड है, अब पेपर एक जैसा नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये भी पूछा मैम पेपर सेम होगा क्या, सेम क्वेश्चन आएंगे? नहीं बच्चे, ऐसा नहीं होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, है ना। तो अब होगा क्या, यहाँ पर डिटेल्ड चीजें पूछी जाएगी, एक वाइड एरिया से चीजें पूछी जाएंगी, इसलिए इन टॉपिक्स को हमने डिकोड किया है। ठीक है, तो भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण, वर्ण विचार, संधि, शब्द विचार, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची,
विप्रार्थी शब्द अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द उपसर्ग, वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हो, प्रत्यय समास संज्ञा लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया काल, फिर वाक्य अव्यय पदबंध क्या है, वाक्य विचार क्या है, विराम चिन्ह पंचुएशन पूरी पढ़ेंगे, मुहावरा लोकोक्तियां अलंकार, और एक चीज इसमें रह गई, हाँ रह गई, 29 टॉपिक्स हो जाएंगे टोटल, जो कि है रस। ठीक है, क्या है रस लिख लो वहां पर, 29 टॉपिक्स है पूरे। ठीक, अभी देख लीजिए हम लोग ये पहले तीन टॉपिक कवर करने वाले हैं। भाषा, भाषा के बारे में हम सभी जानते हैं, भाषा क्या है, विचारों के आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो भाषा के लक्षण से ये लेक्चर मैंने स्टार्ट किया है, एक पार्ट है हमारी जो लाइव क्लास हुई थी उसका। देखिए आपको समझ में आ रहा है या नहीं, क्या आप ये कंटेंट पहले से जानते हैं, तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे वहां जुड़ सकते हैं, अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट क्लास, जिसमें हम भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट लिखो, देखो भाषा हम समझ गए कि भाषा क्या है, भाषा के लक्षण हम समझ गए, वर्ण वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, पर अब भाषा एक से दूसरे तक पहुंचाई कैसे जा सकती है, क्या तरीके हैं पहुंचाने के, तो उसके लिए हमें पढ़ना होगा भाषा के रूप, भाषा के रूप, ये हेडिंग है, इसको अंडरलाइन कर लो जरा, भाषा के रूप। कितने रूप होते हैं भाषा के, किसी कोई आइडिया? मैम तीन, मौखिक लिखित और सांकेतिक। मौखिक लिखित और सांकेतिक, सांकेतिक ठीक है। तो क्वेश्चन में आएगा तो कितना चूज करना है, दो या तीन? मैम तीन। पक्का? ठीक है, देखो अब मेरी कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर भाषा के मूल रूप से दो ही रूप होते हैं, दो रूप होते हैं, तीसरे को क्यों नहीं माना जाता उस पर अभी बात करते हैं। ठीक है, पहला तो जैसे आपने कहा मौखिक, ठीक है, पहला क्या है, मौखिक भाषा। मैं थोड़ा साफ लिख देती हूँ क्योंकि मौखिक भाषा, ठीक है, श षटकोण का है ये भाषा, और दूसरा है लिखित भाषा। अब देखो अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने के दो तरीके हैं, मौखिक भाषा मतलब कि बोलकर, है ना, बोलकर, या फिर सुनकर, सुनकर फिर से बोल दो किसी को, ठीक है। तो बोलना और सुनना दोनों किस में चला जाएगा, मौखिक में। सुनकर बोलना ये मौखिक में चला गया, जैसे कि आप, मैं अभी आपसे दोनों तरह से जुड़ी हुई हूं, मैं मौखिक भाषा का भी उपयोग कर रही हूँ, मैं बोल भी रही हूँ, आप सुन रहे हैं, ठीक, और मैं लिख भी रही हूँ, तो लिख करके अपने भावों को व्यक्त करना वो क्या हो गया, लिखित, लिखित, हाँ, लिखकर, लिखकर अपनी अपनी बातों बातों को व्यक्त करना, व्यक्त करना या विचारों का आदान प्रदान करना सेम चीज है, ठीक है, व्यक्त करना क्या है, भाषा का लिखित रूप है। ठीक है, ये दो ही तरीके हैं हमारे पास। अब मौखिक में एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, फिर हम लोग सांकेतिक की बात करेंगे, मौखिक के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, भाषण देना, है ना, बातचीत करना, ठीक, रेडियो सुनना, ठीक है, समाचार पत्र पढ़ना और सुनना, कोई कोई वाचन कर रहा है उसका तो वो, ठीक है,
ठीक। अब कहानी कहना, कहानी सुनना, ये सब मौखिक में चला गया। लिखित में क्या क्या चला जाएगा? समाचार पढ़ना, ठीक, पत्र पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, कंप्यूटर पर कुछ पढ़ना या कंप्यूटर का यूज करना, ये सब लिखित भाषा में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसको हम लोग लेते हैं रेड में। तीसरा बोला जाता है कि भाषा सांकेतिक भाषा है ना, कौन सी? सांकेतिक सांकेतिक भाषा। अब यहाँ पर ये बात समझो, हमें पता है, देखो ग्रामर व्याकरण की बेसिक डेफिनेशन तो सबको पता होगी। ग्रामर एक ऐसी चीज है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करने में मदद करता है ना, उसी को व्याकरण कहते हैं। जैसे कि थोड़ा सा समझ लो, फिर सांकेतिक पर आते हैं हम लोग। जैसे मैं कह रही हूँ, मैं लड़की हूं, मैंने कहा मैं खाना खाता हूं, ठीक है, तो क्या ग्रामेटिकल व्याकरण के तौर पर ये सही हुआ क्या? नहीं हुआ है ना। व्याकरण हमें बताती नहीं। है कि किस लिंग के लिए किस तरह की क्रिया का उपयोग होगा, है ना। अब यहाँ लिंग क्या है, सेक्स क्या है, लड़की है ना, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है, उसके लिए कैसी कैसी क्रिया लगेगी? उसके लिए लगेगी खाती, खाती ठीक। हमने क्या लगा दिया यहाँ? खाता खाता। अब हमें कैसे पता चला कि खाता नहीं खाती आएगा यहाँ पर? हमें पता चलता है व्याकरण, व्याकरण के जो नियम है उससे हमें पता चलता है ये चीज, ठीक है। तो व्याकरण के नियम जो है, व्याकरण के नियम लिखित और मौखिक किस पर काम करते हैं? लिखित और मौखिक दोनों भाषा पर काम करेंगे। अब मैं आपसे बोलूं मैं खाना खाता हूं, या मैं लिख दूं मैं खाना खाता हूं, है ना, मैं बाजार जाऊंगा, मैं बोल दूं या लिख दूं, दोनों में ही ग्रामर का व्याकरण का यूज होगा, है ना। सही गलत पता चलेगा वहां पर, क्यों? क्योंकि व्याकरण यहाँ पर यूज होती है। बट अगर मैं सांकेतिक की बात करूं, सांकेतिक में ग्रामर यूज नहीं होती है, इसलिए इसे भाषा का मुख्य रूप नहीं माना गया है, ठीक है। अच्छा अब पहले बात कर लेते ठीक। हैं कि सांकेतिक है क्या। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि सांकेतिक क्या है, ठीक है। तो इसको लिख लो, इशारों में अपने भाव या विचारों को व्यक्त करना, ठीक है। विचारों को व्यक्त करना क्या है? भाषा का सांकेतिक रूप है। जैसे कि हमारे घर में तो रोज यूज होता है ना ये, मम्मी हमारी किचन में से बिल्कुल गुस्से में देख लेती है, एक जेस्चर दे देती है, वो सांकेतिक हो गया कि अच्छा कुछ गड़बड़ हमने कर दी है, मम्मी ने कुछ करने कहा था हमने सुना नहीं और हो गई गड़बड़, ठीक है, ये सांकेतिक रूप हो गया। छोटे बच्चे जो है जिनको बोलना नहीं आता है, मैम आई कैन आई गो टू टॉयलेट, तो वो अपनी छोटी उंगली दिखा देते हैं, ठीक है। ठीक, तो ये क्या हुआ? सांकेतिक भाषा हुई, कुछ संकेतों को कुछ क्रियाओं से हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब ये बताओ कि एक लड़की ने अपनी लिटिल फिंगर दिखाई, टू शी वॉन्ट टू गो टॉयलेट, ठीक है, और एक लड़के ने दिखाई, इसमें कोई ग्रामर का यूज हो रहा है क्या? नहीं दोनों के मैम। लिए ही सेम चीज है, इशारे दोनों के लिए सेम है ना। ट्रैफिक हवलदार जो है वो लड़का हो या लड़की हो, अगर एक तरफ का ट्रैफिक उसे जाने देना है, तो वो दूसरी तरफ का स्टॉप का हाथ दिखाएगा और एक को हाथ घुमाते हुए दिखाएगा कि निकल लो यहाँ से, है ना, ठीक। तो इसीलिए सांकेतिक भाषा को मुख्य भाषा का भेद, भाषा का मुख्य रूप नहीं माना गया है, क्योंकि इसमें व्याकरण नहीं है। लिख लेना वहां पर, इसमें व्याकरण नहीं है, नहीं सभी के लिए इशारे एक जैसे हैं, ठीक। नहीं
और आप लोग जो एग्जाम में जितने सारे इशारे यूज करते हैं, सभी लोग एक ही तरह के इशारे यूज करते हैं, ठीक है, तो कोई भेदभाव वहां पर, एक्चुअली बहुत अच्छी भाषा है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है लड़का लड़की के बीच में, मोस्टली जो रहता है। ओके, क्लियर है ये? ठीक यस है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं और बात करते हैं भाषा के कौशल। लिख लो वहां पर, हेडिंग डालो, भाषा के चार कौशल होते हैं, भाषा के चार कौशल होते हैं, भाषा के चार कौशल होते हैं। कौशल मतलब कि आर्ट, ठीक है, क्षमताएं, इसी तरीके का वर्ड, ठीक है, क्या होते होंगे सोचो जरा। चार क्वेश्चन क्या क्वेश्चन होते होंगे? अरे बहुत इजी है, इसमें से सारे क्वेश्चन तो अपन अभी यूज कर ही रहे हैं, ठीक है, चलो लिखते हैं कौन से। फर्स्ट, वाचन, मतलब बोलना कि बोलना, ठीक है। दूसरा, श्रवण, सुनना यस, सुनना। थर्ड, लेखन, लिखना लिखना। फोर्थ, पठन, पढ़ना, ठीक है, बस इतना याद रखना है, ठीक। अरे अच्छा, 10 मिनट बाद ये क्लास एंड होगी, फिर से दूसरी क्लास है, उसको रिज्वाइन कर लेना, ओके। ओके चलो आगे बढ़े। अब एक यस बहुत मैम ही, यस हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट अब अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, ठीक है, हेडिंग डाल लो वहां मैम पर, क्या है ये? पहले लिखो मातृभाषा, फिर पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रभाषा, टू द पॉइंट पढ़ेंगे बिल्कुल, ठीक है, आज ही अपने को हिंदी का टीचर नहीं बन जाना। राज भाषा, भाषा और फिर एक और लिख लो, संपर्क भाषा, संपर्क भाषा, ठीक है। चलो सबसे पहले डिफाइन करेंगे हम, हाँ, मातृभाषा क्या है, कोई बोलना चाहेगा क्या है मातृभाषा? मतलब मदर टंग बिल्कुल सही, मातृभाषा मतलब कि मदर टंग, ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि मातृभाषा वो जो हमने अपनी मातृ मतलब अपनी मम्मी से सीखी हो, अपनी माता से सीखी हो, ठीक है, तो घर परिवार में माता पिता के द्वारा बोली जाने वाली है ना, माता हाँ पिता के द्वारा बोलकर, माता पिता के द्वारा नहीं लिखो, माता पिता के साथ, माता पिता के साथ बोलकर सीखी जाने वाली भाषा क्या है? मातृ भाषा है, तो आप सभी लोगों की मातृभाषा अलग अलग भी हो सकती है, जैसे हमारी मातृभाषा तो हिंदी ही है, क्योंकि घर में सब मम्मी पापा सब लोग क्या बोलते हैं, हिंदी। हो सकता है कि आपके घर में मराठी बोलते हो, है ना, या फिर आपके घर में गुजराती बोलते हो, तो वो आपकी मातृभाषा हो गई, क्लियर है? तो हिंदी, गुजराती, महाराष्ट्रियन, कुछ भी हो सकती है, पंजाबी, गुजराती, ये सब क्या एग्जाम्पल है मातृभाषा के।
फिर मातृभाषा सबके लिए वेरी करती है। फिर बात आती है राष्ट्रभाषा और राजभाषा की। राष्ट्रभाषा और राजभाषा, इसको कंपैरेटिव पढ़ लेते हैं, ठीक है। राष्ट्र भाषा, जस्ट सेकेंड, राष्ट्रभाषा और राज भाषा, ठीक है। अब बताइए कोई कोशिश करेगा दोनों को अंतर करने की या डिफाइन करने की? केंद्र और राज्य का अंतर हो सकता है सर? केंद्र और राज्य का अंतर, ठीक है। चलो देखो, मैम, राष्ट्रभाषा, हाँ बोलो बोलो। हमारे देश में हिंदी भाषा का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हाँ बिल्कुल सही। और राजभाषा, हर राज्य की अलग अलग हो जाती है, जहाँ उनका कल्चर अकॉर्डिंग। अच्छा ठीक है। चलो तो ये बात तो सही हुई कि किसी राष्ट्र के अधिकांश, ऐसा लिखो, अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। राजभाषा वो भाषा होती है किसी भी देश या फिर राज्य में राजकीय शासन से स्वीकृत, कि भाई हमारे देश का या हमारे राज्य का काम किस भाषा में होगा, वो होती है राजभाषा। कौन सी भाषा होती है? राजभाषा। तो इसको लिखो वहां पर, किसी भी देश या राज्य के राजकीय या राज राज काज, ये भी लिख सकते हो, राजकाज यानी शासन शासन के लिए स्वीकृत, मतलब कि अप्रूव, स्वीकृत भाषा राजभाषा होती है। राजभाषा होती है। एक और अंतर ये हुआ कि देखो यहाँ पर शासन से स्वीकृति मिली है, ठीक है, तो राजभाषा को संवैधानिक स्वीकृति मिलती है। इसे क्या मिलती है? संवैधानिक, जस्ट सेकेंड, संवैधानिक स्वीकृति प्राप्त है ये। जबकि किसी भी राष्ट्रभाषा को संवैधानिक स्वीकृति नहीं मिलती, ठीक, क्लियर है? हाँ तो हम कहते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। वो इसलिए कहते हैं कि अधिकतर लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं, ठीक। वही राजभाषा, क्योंकि अधिकतर काम हमारे यहाँ इंडिया में, ठीक, किसमें होते हैं? राजकीय कामों में हिंदी भाषा यूज होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं, ठीक। एक चीज और लिख लो जो कि पूरी पूरी संभावना है आने की, क्योंकि दो पेपर आ रहे हैं अलग अलग, अब कुछ तो क्वेश्चन अलग वो देंगे, ठीक। अब आपने कौन सा चुन लिया हमें पता नहीं, आपने लिटरेचर लिया या कम्युनिकेशन,
किसमें कौन सा क्वेश्चन आ जाए कुछ नहीं कह सकते। तो याद रखो कि 14 सितंबर, 14th of September, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को दिमाग। विधानसभा ने हिंदी को क्या माना है? हिंदी को भारत संघ की राजभाषा माना है। राजभाषा माना है, ठीक है। तो संवैधानिक रूप से स्वीकृति प्राप्त तो कौन सी भाषा होती है? राजभाषा होती है, ना कि राष्ट्रभाषा। कब स्वीकृति मिली है याद रखना, 14th of September। इसीलिए इस दिन हम लोग हिंदी दिवस भी मनाते हैं।